इनकम टैक्स पेयर इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद एक बहुत ज़रूरी काम है जो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कि उन्हें नुकसान हो सकता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा काम है जो कि इनकम टैक्स पेयर को करना है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप उसे समझ पाएँ। सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स लॉ भी चेंज हो रहा है और टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सी एस सतबीर सिंह टैक्स हिल पर भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पर ही मिलते रहें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी पिन किया गया है। जब भी किसी व्यक्ति की इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उसके बाद इंटीमेशन भेजा जाता है। तो बहुत से टैक्स पेयर गलती करते हैं कि वो उस इंटीमेशन को चेक ही नहीं करते हैं, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जहाँ पे आप रिफ़ंड क्लेम करते हैं तो ये आप ज्यूम कर लेते हैं कि जितना आपने इनकम टैक्स में रिफ़ंड क्लेम किया था आईटीआर में वही आपको रिसीव हो गया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार देखा गया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिफ़ंड है वो सही से प्रोसेस नहीं किया जाता, या जो आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न है वो सही प्रोसेस नहीं की जाती है। तो उस केस में आपको एक्शन लेना होता है, आपको रिटर्न को रीप्रोसेस करवाना होता है या फिर आपको रिटर्न को रिवाइज करना होता है। तो इसके बारे में ही हम आपको इस वीडियो में इन्फॉर्म करना चाहते हैं। चलिए हम आपको इंटीमेशन दिखाते हैं आईटीआर के प्रोसेस होने के बाद, जहाँ पे के टैक्स पेयर ने गलती की है और उसे चेक नहीं किया, जिसकी वजह से कि उसे नुकसान हुआ। दोस्तों, ये इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), यानी कि जब आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस कर दी जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो इस प्रकार से आपको ईमेल भेजी जाती है। जैसे कि यदि आपका रिफ़ंड होता है तो यहाँ पे ग्रीन के अंतर्गत आपको बैकग्राउंड में यहाँ पे लिखा होता है इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). तो यहाँ पे इनकम होती है जो कि टैक्स पेयर ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर की है एज प्रोवाइडेड बाय टैक्स पेयर, और एज कंप्यूटर्ड अंडर सेक्शन 143(1) का मतलब है जो इनकम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट की गई है। तो आपको इसे अच्छे से चेक करना है इंटीमेशन को कि कहीं आपकी इनकम में या फिर टैक्स में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो हम इसे स्क्रॉल करते हैं नीचे, तो आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रोस टोटल इनकम थी वो सेम है, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट की गई है वो भी सेम है जो आईटीआर में हमने फाइल की थी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस की है। इसी प्रकार जो डिडक्शंस हैं वो भी सेम है जो हमने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल की थी और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस की गई हैं। इसके अलावा जो टैक्स पेबल है वो आपको चेक करना है कि जो अपना आईटीआर में फाइल किया था और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट किया गया है क्या वो सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने टैक्स आईटीआर में भरा है और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कंप्यूट किया गया है वो भी सेम है। इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पे देखना है कि जो अपना टीडीएस क्रेडिट क्लेम किया था क्या वो सेम है। यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि जो हमने टीडीएस क्रेडिट क्लेम किया था वो ज़्यादा था, लेकिन जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया गया है वो कम है। तो यहाँ पे जो टीसीएस का क्रेडिट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं दिया गया है, तो जिसकी वजह से कि जो टैक्स पेयर ने रिफ़ंड क्लेम किया था 72,320 रुपीज़, उसे कम करके 57,165 कर दिया गया है, और इतना ही अमाउंट जो टैक्स पेयर है उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो यहाँ पे टैक्स पेयर ने चेक ही नहीं किया कि जो उसे रिफ़ंड मिला है वो कम मिला है, जबकि उसने ज़्यादा क्लेम किया था इनकम टैक्स रिटर्न में। तो अब आपको इसका रीज़न चेक करना है कि ये जो टीसीएस का क्रेडिट है ये क्यों नहीं दिया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जब आपका इनकम टैक्स का रिफ़ंड कम दिया जाता है तो उसके लिए जो रीज़न है वो भी आईटीआर का जो इंटीमेशन है उसके नीचे ही आपको मिलेगा रीज़न। यहाँ पे जैसे कि रीज़न दिया गया है मिसमैच बिटवीन टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड अलाउड, यानी टैक्स पेयर ने जो टैक्स क्रेडिट क्लेम किया था उससे मिसमैच था। यहाँ पे टैक्स पेयर ने कहा है कि उसे इस 10 नंबर के अगेंस्ट जो टीसीएस का क्रेडिट है वो मिलना चाहिए, जबकि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैचिंग की गई थी तो उस केस में यहाँ पे 0 आ रहा था, जिसकी वजह से कि इतना मिसमैच आया है। क्योंकि यहाँ पे रीज़न भी दिया गया है कि 26AS में ये अमाउंट नहीं आ रहा था टीडीएस और टीसीएस के क्रेडिट का, इसलिए ये अमाउंट नहीं दिया गया था। लेकिन अब आपको इसका रीज़न आइडेंटिफाई करना है कि क्या सच में 26AS में ये अमाउंट नहीं आ रहा है।
तो यहाँ पे हमने टैक्स पेयर का 26 ES चेक किया है, तो 26 ES में तो ये अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ पे 22-23 फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 में TCS कलेक्ट किया गया है टैक्स पेयर से। लेकिन अब यहाँ पे टैक्स पेयर ने गलती ये की है कि जब उसने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है उसमें उसने गलती से जो ईयर है 2019 सिलेक्ट कर लिया, जबकि 22-23 फाइनेंशियल ईयर यानी कि असेसमेंट ईयर 23-24 चूज़ करना था, जिसकी वजह से कि ये गलती हुई है कि उसे इसका क्रेडिट नहीं मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टैक्स पेयर की इनकम टैक्स रिटर्न को चेक किया है, तो यहाँ पे ईयर ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है 2019 जो है बाय मिस्टेक टैक्स पेयर ने एंटर कर दिया है, जिसकी वजह से कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इस TCS के क्रेडिट को प्रोसेस नहीं किया गया और टैक्स पेयर को रिफंड नहीं दिया गया। इस प्रकार यदि इंटीमेशन को चेक करने के बाद आपको लगता है कि गलती आपसे हुई है तो उस केस में आपको इस गलती को सुधारना है। इसके लिए आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज करना है विद इन टाइम पीरियड जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है। यदि आपको लगता है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है तो उस केस में आप अपने रिटर्न को रीप्रोसेस करवा सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन इनकम टैक्स के पोर्टल पर दी गई है, या फिर आपको लगता है कि गलती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है और उस केस में आप रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें ये इंश्योर करें कि आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को कम्प्लीटली चेक कर लें, और इसके साथ ही आपको 26 AS, AIS और TIS के साथ भी अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को मैच कर लेना है ताकि उसमें कोई गलती ना रहे। खास करके जो आप 10 नंबर कोड करते हैं, ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन कोड करते हैं, जो अमाउंट कोड करते हैं, जो चलान नंबर आप एंटर करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, वो मैच करने चाहिए ताकि आपका जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो टाइमली आ पाए या जो टैक्स की एडजस्टमेंट है वो सही से हो पाए। आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को टाइम से पहले फाइल करना है ताकि जब आपका इंटीमेशन आए यदि आपको लगता है कि उसमें कोई गलती हुई है तो आप टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को रिवाइज कर पाएँ। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के बाद आपको उसे टाइमली वेरीफाई भी करना है ताकि वो टाइमली प्रोसेस हो पाए। इसके अलावा यदि आप इनकम टैक्स का रिफंड क्लेम करते हैं तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, तो यदि वो वैलिडेट नहीं है तो पहले आप उसे वैलिडेट कर लीजिए, अदरवाइज़ आपका इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आएगा। तो यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफ़ंड जल्दी आ जाता है, और यदि उसमें कोई गलती भी होती है तो आप उसे टाइमली करेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि जब भी आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो तो उसमें जो इंटीमेशन आपको मिलता है वो आप ओपन करके ज़रूर देखें और चेक करें कि जितना आपने टैक्स भरा था या जो रिफ़ंड क्लेम किया था वो सही से प्रोसेस हुआ है। प्लीज़ जो इंटीमेशन है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे दिया जाता है जो कि इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर्ड होता है, तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो। कई बार ऐसा देखा गया है कि कंसल्टेंट का ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है जिससे कि टैक्स पेयर को पता ही नहीं चलता कि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न प्रोसेस हो चुकी है या फिर उसमें कोई गलती हुई है। इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप अपनी पर्सनल डिटेल ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपडेट करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए सी एस सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की है ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोज़ में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्स सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।